हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने बात की थी एनिमेटिंग ऑब्जेक्ट्स की, यानी कि एनिमेशन इफ़ेक्ट की। तो एनिमेशन इफ़ेक्ट मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट पे काम करता है। जैसे कोई स्लाइड है, उसमें कौन कौन सी ऑब्जेक्ट हैं, ये उस उन सभी चीज़ों को चेंज करने के काम में आता है। जैसे कि देखिए, इसके लिए टैब होती है एनिमेशन टैब। एनिमेशन टैब पे हम जाते हैं, हमने आपको कल बताया था, और इसमें दो एनिमेशन लगी हैं स्लाइड में। देखिए लिख क्या रहा है, 1 और 2 यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम उनको देखना चाहते हैं तो यहाँ प्रीव्यू का बटन होगा, इस पर हम दबाएंगे। तो देखिए ये पहला एनिमेशन है, ये दूसरा एनिमेशन है, दो एनिमेशन लगे हैं, ठीक है। तो एनिमेशन ये कितने तरह के बताए थे आपको स्टूडेंट्स, 3 टाइप के बताए थे। एक क्या होता है कि हमें उस ऑब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट करना होता है, और फिर हम जाते हैं एनिमेशन टैब पे, और यहाँ पे हमें 4 तरह की एनिमेशन मिलते हैं। सॉरी, पहला एंट्रेंस, यानी कि उसके आने का क्या तरीका होगा, कैसे आएगा, ठीक है। दूसरा बताया था एम्फेसिस, यानी कि आने के बाद वो घूमेगा, आने के बाद वो घूमेगा, ठीक है। उसके बाद एग्जिट, फिर जाएगा कैसे, गायब होगा, उड़ के नीचे जाएगा, ठीक है, ऐसे गायब होगा। अब आने के बाद मूव कैसे करेगा, ये भी इसका डिफाइन है, ऐसे मूव करेगा, ठीक है। ये मूवमेंट शेप फॉर्म में ऐसे घूमेगा, देखिए, है ना। तो ये चीज़ें 4 तरह का होता है, अब ध्यान रखिएगा, एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट एंड मोशन पाथ। एनिमेशन इफेक्ट 4 तरह का होता है, ठीक है। अब दूसरा इफेक्ट होता है, देखिए मैं आपको फिर से बता दूँ, ये हमारे ऑब्जेक्ट पे काम करता है, सिर्फ ऑब्जेक्ट को घुमाने और उसके काम में आता है, ठीक है। अब बात आती है ट्रांजिशन इफेक्ट की। तो ट्रांजिशन इफेक्ट ये डिसाइड करता है कि जैसे पहली स्लाइड है, अब दूसरी स्लाइड आएगी, वो कैसे आएगी। ये स्लाइड टू स्लाइड काम करता है, वो करता है ऑब्जेक्ट पे, यानी कि जिस स्लाइड के ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन ये पूरी स्लाइड पे काम, जैसे हम पहली सेकंड, हम चाहते हैं कि ये सेकंड स्लाइड है वो कैसे आए, तो हमने सेकंड स्लाइड यहाँ से चूज कर ली, सिलेक्ट कर ली। अब हम जाएंगे ट्रांजिशन टैब पे, ट्रांजिशन पे हम उसका स्टाइल सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हम चाहते हैं कि स्लाइड ऐसे आए, देखिए, तो पहली स्लाइड है, उसके बाद दूसरी कैसे आएगी, अलग तरीके से ऐसे आएगी, देखिए, पहले के बाद दूसरी ऐसी आएगी। हम उसका प्रीव्यू यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। जब पहली होगी फिर दूसरी ऐसे आएगी, ऐसी तरह से ये ऐसे भी आ सकती है, देखिए, स्प्लिट होके भी आ सकती है। तो ये हमारी स्लाइड का अपीयरेंस डिसाइड करता है कि वो स्लाइड कैसे आएगी। अब ये हमारे 3 तरह के होते हैं, सबटिल, एक्साइटिंग, डायनामिक कंटेंट, ओके। अगर हम इसको इस तरह से करेंगे तो देखिए ये डिसॉल्व हो गया, हनीकॉम में करेंगे तो ये हनीकॉम बन के ऐसे आ जाएगी, है ना। तो ये हमारे क्या है, ट्रांजिशन इफेक्ट्स हैं, जो कि हमारे ट्रांजिशन टैब में होते हैं, और ये पूरी स्लाइड को घुमाते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि चौथी स्लाइड कैसे आए, तो चौथी स्लाइड में हम ट्रांजिशन लगा सकते हैं कि कुछ इस तरह से आए, क्रॉस होके, देखिए बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अब हम ऐसे ही चाहते हैं कि सेकंड स्लाइड आए, क्रश हो गया आए, है ना। तो ये क्रश का इसमें देखिए क्रश हो गया पेपर की तरह, इसमें एरोप्लेन का भी है, अगर एरोप्लेन बन जाएगा उसका, देखिए उड़ गया, इसी तरह इसको भी कट वाला सिस्टम बना देते हैं, या कुछ ऐसे आएगी, देखिए, है ना। तो स्टूडेंट्स, आपको मुझे लगता है कि आपको ट्रांजिशन इफेक्ट भी समझ में आ गया होगा। ये एनिमेशन था, ये हमारा ट्रांजिशन इफेक्ट है, देखिए बिल्कुल वैसे ही है। इसमें लिखा भी है, ट्रांजिशन मीन्स द वे वन स्लाइड फॉलो द अदर ऑन द स्क्रीन, यू कैन अप्लाई स्लाइड ट्रांजिशन विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन टैब। ट्रांजिशन टैब पर ये चीज़ें अप्लाई होती हैं। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके पहले क्लास एक्टिविटी थी, तो आपको ये क्लास एक्टिविटी अपनी बुक की हेल्प से ही कंप्लीट करनी है पेंसिल से,
और इसको चेक कराना है अभी, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, इसको जल्दी से कंप्लीट करिए और इसको चेक कराइए, ठीक है। इसके साथ साथ हमारा लेसन भी आज ख़त्म हो जाएगा, तो इसके बाद हम बुक एक्सरसाइज करेंगे कल, ओके। तो ये आप क्लास एक्टिविटी कंप्लीट कीजिए पेज नंबर 48 पे और इसको चेक कराइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।